क्लासिक्स का चैप्टर 3 जो है अर्लियर सिटी, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मैंने अर्ली सिटी या इस तरह का जो है उसका एपिसोड 3 देख रहे हैं। अभी तक हम लोग ने जो देखा था कि क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था हुआ, कैसे एग्रीकल्चर हुआ, सेटअप हुआ, या इससे पहले देखे थे कि हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट कैसे थे। जैसे हम लोग अगर एनसीईआरटी बुक में पढ़े थे कि मोस्ट हाउसेस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया, कि हर घर में अलग अलग बाथिंग एरिया था। सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, कुछ में कुएं भी थे जो वाटर सप्लाई करने के लिए। मेनी सिटीज़ है कवर ड्रेन। तो वहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके थे कि वहाँ का जो हाउसेस कैसा था, किस तरह के उसके ब्रिक्स थे जो पके हुए थे, और इवन अभी तक वो ईंटा ख़त्म नहीं हुआ, उसकी कम्युनिटी है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर, तो हड़प्पन भिजरे जो थे गांव कहाँ से चले थे, तो जहाँ पर रिवर थे उसके आसपास, नियर द फ्लैट प्लेन एरिया, कि जहाँ बाढ़ आते थे, प्रोड्यूस सफिशियंट फूड ग्रेन, यहाँ पर घर बना लिए। इसको लीनियर सेटलमेंट भी कहते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, इस तरह का चारों ओर हो जाता है, जैसे लंदन में टिग्रिस रिवर के पास में, कि चारों ओर सेटलमेंट होता है। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था वो लीनियर सेटलमेंट था। और वहाँ पर क्या क्या वो लोग ज़्यादातर उपजाते थे, तो गेहूँ, बार्ले, राई, पीस, जो शीशम थे पेड़ थे, लिंटिन जो तिल होते हैं, चिप चिप के चिक पी हो गया, तो जो मास्टर थे मैंने सरसों, तो मिलेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द साइड इन द गुजरात। कुछ जो हम लोग जब आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें खोजबीन कर रहा था, खुदाई कर रहा था, तो वहाँ पर मिलेट्स की पहचान हुई है गुजरात के साइड में, कहाँ पर, धौलवीरा में। वाइल राइस यूजेज वेर रिलेटिवली रेयर, चावल का प्रयोग बहुत कम हुआ लोग करते थे। अभी पंजाब एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर गेहूँ ही ज़्यादा वो लोग खाते हैं, गेहूँ ही उपज ज़्यादा होता है, और लोग बने जो चावल उसको कम यूज करते हैं। इंडस पीपुल थे जो नदी के आस पास रहते थे, वे आर द अर्लीस्ट पीपुल इन द टू प्रोड्यूस कॉटन। और इंडस रिवर के पास जो भी आस पास थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो का जो एरिया था, वहाँ पर वो लोग, ये भी सबूत मिला कि वो लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे, सूती जो थे वो प्रोड्यूस करते थे। और वहाँ पर जो है कैनाल, नहर का भी पहचान हुआ हैव बीन फाउंड ऑन द हड़प्पा साइट ऑफ शॉर्ट उगई। इसका नाम क्या, शॉर्ट उगई, जो कि अफगानिस्तान में है, और बट नॉट इन पंजाब सीन, कि जो केनाल जो नहर है वो अफगानिस्तान में मिला है। ऑल दो द हड़प्पन प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एनिवेयर ऑल्सो रियर्ड इन ए लार्ज स्केल, कि बड़े मात्रा में वो लोग जो एग्रीकल्चर जो खेती होती थी उसके जानवरों को यूज करते थे, चाहे बैल हो, और उसको पालते थे। एविडेंस ऑफ द हॉर्स कम फ्रॉम ए सुपर सियल लेवल ऑफ द मोहनजोदड़ो, कि घोड़ों का भी सबूत मिला है, खासकर मोहनजोदड़ो, और डाउटफुल जो टेरिकेटा जो है छोटा जो खिलौना था उसमें मिला हुआ लोथाल के। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं कि कुछ जो वहाँ के किस तरह के एग्रीकल्चर थे। इकोनॉमी कैसा था, तो वहाँ के द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रेड इन द लाइफ ऑफ द इंडस पीपल इज विटनेस बाई द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील, कि बहुत सारा सील मिला, यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्ट मिला, वेट मिला, मेजर इन द वाइड एरिया। इसको एनसीईआरटी में थोड़ा देखते हैं हम लोग कि इसकी चर्चा हुई कि न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, क्राफ्ट मैंने क्या होगा विशेषक, कि न्यू विशेषक जो थे वहाँ पर, उसको वहाँ पर आए। तो अब यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आजकल जैसे लोग बटकारा होता है तोड़ने का, तो उस समय ये देखिए सात बटकारा था, कि स्टोन वेट, पत्थर का जो वेट बटकारा था। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसिसली दीज वेट आर सेट, कि कैसे इसको बचा के रखा। दीज वेयर मेड अप ऑफ स्लेट, स्लेट क्या चाहिए, एक प्रकार का पत्थर है, ए काइंड ऑफ स्टोन। दीज वेयर प्रॉबली यूज टू वेट प्रीसियस स्टोन, कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, जो या मेटल होते थे, उसको तोड़ने के रखा गया था। यानी जो क्राफ्ट था, जो विशेषक थे बनाने के लिए हड़प्पन सिटीज़ में, वो लोगों ने बहुत चीज़ पत्थर से, बहुत चीज़ पत्थर सेल जो कि शंख हो गया, या मेटल जो था मैंने जो जो भी धातु हुआ उससे बना था, चाहे मेटल में कौन कौन था, कॉपर था, ब्रोंज था, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारा चीज़ उसमें डिजाइनिंग बना। अब उसमें हथियार भी पाया जाता है, चाहे ऑर्नामेंट आभूषण भी होता है, या फिर बर्तन भी होते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट और बेसन बनाने के काम आते थे। जैसे ऑर्नामेंट का एक ये जो मिला हुआ है, ये हड़प्पा में मिला था, या फिर ये देख सकते हैं, ये भी मतलब मिला था ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, खासकर इसको कालीबंगा में ज़्यादा पाया गया था। तो हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन, कि उन्होंने जो सील है, जो मोहर है, वो पत्थर का बनाते थे, हड़प्पा में मिला हुआ है, और इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हड़प्पन ऑल्सो मेड पोर्ट, कि लोग घड़ाई बनाते थे, और वो काले रंग का डिज़ाइन होता था, जैसे पिक्चर में दिया गया है। कॉटन वॉज प्रोबली ग्रोन इन द मेहगर, जैसे हम बताया कि कहाँ पर कॉटन होता था, 7000 साल पहले से भी हो रहा था। और कुछ एक्चुअल पीच ऑफ कॉर्न वर फाउंड अटैच टू लीड द सिल्वर बेस, तीसरा कहाँ मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है कि मेनी ऑफ थिंग्स
टैटर प्रोड्यूस बाय द प्रोबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट, कि अलग अलग सामान बनाने वाले अलग अलग स्पेशलिस्ट होते थे। स्पेशलिस्ट किसको कहा जाता था, तो अ पर्सन इज ए स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, कि जो विशेषक होते थे एक ही प्रकार काम करने का करते थे। जैसे कोई पत्थर काटता था कटिंग स्टोन्स हो गया, कोई पॉलिश कर देता था, कोई सील बनाता था, तो अलग अलग लोग उसको होते थे। तो इस तरह से वहाँ देख रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन थे जिसको स्पेशलिस्ट लोग करते थे, यानी क्राफ्ट जो था काफ़ी डबल था, यानी अच्छे थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल खोज में वो लोग बहुत दूर दूर चल जाते थे, चाहे लकड़ी का हो या फिर और का हो, वो लोग फार्मर हो या हार्डर हो, सभी कोई उस खोज में लगते थे और वो अंतिम गुड़ बनाते थे। जैसे कॉटन है तो कॉटन बनता था, ये फार्मर प्रोड्यूस करता था और उसी को मैंने कि प्रोसीड किया जाता था कपड़ा में, जो कि अलग लोग जो विशेषज्ञ थे स्पेशलिस्ट थे वो करते थे। तो इस तरह से यहाँ मिला हुआ है, यानी आप नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्राफ्ट जो है ऑलरेडी हम बता दिए हैं, इसको दिख कर दिए हैं इसको कि किस तरह से मिला हुआ क्राफ्ट। अब है कि इंस्टीट्यूशन, वहाँ कौन कौन इंस्टीट्यूशन थे, माने कि जो कैसे कैसे वहाँ पर स्कूल थे या कैसे कैसे जो विशेषज्ञ थे जो संस्थान थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी चीज़ मिला हुआ है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, वेरी फ्यू रिटन मटेरियल, कोई भी लिखा हुआ बहुत कम मिला है बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली एंड द स्कॉलर्स हैव नॉट फाइंड एबल टू डिस्फर द इंडस स्क्रिप्ट सो फार, कि इंडस स्क्रिप्ट है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। अगर इसमें देखिए कुछ लिखा गया है, कुछ जानवरों का फोटो से इसको इंडिकेट किया गया है हर जगह पर, यहाँ देखिए सिंबल दिया हुआ है, ये दो सेब बाघ का टाइगर का और एक आदमी का दिखाया गया है, यहाँ बैल का दिया गया हल। तो ये क्या स्क्रिप्ट है, क्या बताना चाहता है, ये मुश्किल है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। एज ए रिजल्ट देयर इज अ डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि किसी तरह का संस्थान का इसमें है लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिली है। हड़प्पा वाज पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स, हड़प्पा में जो शासक थे वो व्यापारी उसको करते थे। इफ़ यू लुक फॉर द सेंटर ऑफ पावर फॉर डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड नो इमीडिएट आंसर, कि कौन शासक थे ये भी कहना मुश्किल है। सम आर्कोलॉजिस्ट को जो खगोल ये जो भी खुदाई जो करते थे वो लोग बताने हैं क्या ओपिनियन डेट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर, उनका कहना था कि हड़प्पा में कोई शासक नहीं था, एवरी बॉडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस, कि सबको समान अधिकार था। कुछ का मानना है कि अनदर थ्योरी आर्सेस डैट देयर वॉज नो सिंगल रूलर, कोई एक रूलर नहीं होते थे, नंबर रूलर्स रिप्रेजेंट इन द अर्बन एरिया, कि बहुत सारे रूलर होते थे। धर्म क्या था, रिलीजन क्या था, तो इन हड़प्पा न्यूमरस टेरकोटा जो बहुत सारा खिलौना मिला है, फिग्राइन ऑफ वीमेन औरत का मिला हुआ है या प्लांट का मिला हुआ है, तो उस तरह से पता चलता है इब्रो ऑफ वीमेन का मिला हुआ है, तो कौन कौन धर्म था इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वो लोग पूजा करते थे उपजाने वाले भग देवता का, देवी का, फिर वार्शिप फॉर द सेम मैनर इन द इजिप्टियन वार्शिप ऑफ द नील गॉडेस आइसिस, जैसे नील रिवर का जो देवी होती थी आइसिस उसकी पूजा थी, जैसे हम लोगों को गंगा माता उसी वहाँ पर नील जो इजिप्ट है वहाँ पर देवी है आइसिस। फिर जो मेल डाइटी भी पाया गया जो कि वो उसके जो सर में है उसको जो उसमें तीन हेड बना हुआ है और रिपेयर इन द सीटिंग पोस्टर ऑफ योगी, और जैसे यहाँ पर एक योगी के रूप में बैठा हुआ है। कुछ जो है कि गॉड इज कुछ भगवान ऐसे हैं कि जो हाथियों के या जो बाघ होते हैं राइनोसोर मतलब जानवरों को दिखाया गया है, उसके नीचे थ्रोन गद्दी में जो मुकुट होता है या जो बैठते हैं उसमें हो गया, तो टू डियर भी दिखाया गया। इस तरह का इंडिया पीपल ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन ऑल्सो वर्शिप ट्री एंड एनिमल, कि वो लोग पेड़ और जानवरों की पूजा करते थे। एमुलेट हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन लार्ज नंबर, जो हाथ में पहना जाता है वही पाया जाता है। तो ये कुछ साइट है कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दिखाया गया, इसको समझना होगा। क्लोजर लुक एट द हड़प्पन टाउन इन गुजरात, कि हड़प्पा में जो गुजरात में जो टाउन है कौन कौन है, तो वहाँ धौलपीरा है जो कि खादिर बियाट रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में खादिर बियाट के पास में धौलपीरा शहर है। तो ये जो है फ्रेश वाटर के लिए फेमस था और यहाँ की भूमि जो थी उपजाऊ थी। ये धौलपीरा वाज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, तीन पार्ट में बटा हुआ था, जैसे मासिव स्टोन वाला और वहाँ पर मैंने दीवार बनाया गया था और एक घुसने का गेट भी था। देयर वाज ये जो यहाँ पर जो ये दिया गुजरात का रन ऑफ कच्छ से ही लिया गया फोटो, ये खुद पर्सनली मेरे परिवार जो गए थे वहाँ पर उस समय खींचा हुआ का फोटो है। तो यहाँ पर जो है कि देयर वाज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया फॉर सेटलमेंट, खुला मैदान था रहने के लिए, और लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट पर कार्व्ड आउट था वाइट स्टोन्स, मैंने पत्थर ही बहुत सारा चीज़ लिखा गया। लोथल में देखते हैं तो ये साबरमती गुजरात जो रिवर है वहाँ पर थे, उसके सहायक नदी में जिसको गल्फ कम्बाक कहते हैं। यहाँ पर पत्थरों का यूज होता जो अभी भी होता है हीरा का। फिर उसके बाद स्टोन हाउस इन द सिटी भी कहा जाता है इसको, और वर्षक जो था चाहे पत्थर का या टूल्स का ब्रीड मेकिंग का फाइनली यहाँ पर बनता था। अब है
ये दिया हुआ है ग्रेट बाथ, जो महान जो बड़ा स्नानागार है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ये पिक्चर को। फिर मिस्ट्री ऑफ द इंड कैसे ख़त्म हो गया, तो अराउंड 3900 ईयर एगो कि 3900 साल पहले ये बहुत चेंज आया। हो सकता है कि वहाँ बाढ़ आ गया, हो सकता है कि ये वहाँ पर लोग सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ तो लोग उसे मर गए, या हो सकता है कि राइटिंग सील वेट जो है वो यूज़ नहीं होता था तो रॉ मटेरियल जो था बन नहीं पा रहा दूर से। तो हो सकता है कि जैसे अगर हम मोहन जोदड़ो में देखते हैं तो बहुत सारा ढेर गार्बेज मिलता है सड़कों पर या ड्रेनेज, तो उससे पता चलता है कि वहाँ नाला टूट चुका होगा। तो यानी इस तरह से वहाँ पर मैंने कि तबाह हो गया सोसाइटी। तो वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट द रिवर ट्रैप, कुछ अगर था नदी सूख गया, कुछ सजेस्ट करता है कि डिफोरेस्टेशन जंगल काट दिया गया, कुछ का कहना था कि बाढ़ आ गया, कुछ का कहना था कि कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इसके पीछे कारण क्या है। इट अपियर्स एज इफ रूलर लॉस्ट कंट्रोल, हो सकता है शासक ने ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया, तो जो सिंध और पंजाब की तरफ से कोई आक्रमण हुआ होगा, चाहे वो आर्यन लोग हो। तो ये जो टेरिकोटा का पिक्चर्स है, अब यहाँ पर वर्सिट है, तो यहाँ फिलिंदी ब्लैंक्स आप देख रहे हैं, इसको पाउच करके फिलिंदी ब्लैंक्स बनाइए। और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर बता सकता हूँ। कि जैसे ऑलमोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट्स आर फाउंड इन द प्रेजेंट डे, कहाँ पर है तो हड़प्पा में इसको लिखना होगा। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर बिलीव टू हैव वारसी, तो किसका होगा, एन अर्लियर फॉर्म ऑफ सिवा, तो इसको देखिए आप इसको। यहाँ पर रिवर टिग्रिस का जो हम पहले भी अभी चर्चा किए, फिर ट्रू फॉल्स पाउच करके इसको लिखिए, ट्रू फॉल्स क्या हो सकता है, और इसको जैसे अगर ट्रू फॉल्स को बनाइए कि वी नोट एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पीपल हु लिव देयर, कि रिटर्न रिकॉर्ड होता था, ये फॉल्स है। इसी तरह का आप इसको पढ़िए, पाउच करके देखिए। फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है टिग्रिस में था, तो चाइनीज सिविलाइजेशन किस रिवर में था, हमोराबी मेसोपोटामिया है तो ग्रेट पिरामिड क्या चीज़ है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, तो धौलबीरा कहाँ पर है, तो इसका जो इसको भी बनाइए, इसको एनालॉग्स है तो इसको कंप्लीट करिए। फिर जो है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है कि अर्लियर सिविलाइजेशन वेयर ऑल लोकेटेड नियर, कहाँ पर था, तो इसको ऑप्शन चुनना, चार ऑप्शन हैं। फिर सेकेंड था कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वन, कौन सा बड़ा फीचर है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। फिर स्टेचू ऑफ द डांसिंग गर्ल एक्सकेटेड मोहनजोदड़ो वाज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ था, तो चार ऑप्शन है। फिर है कि द एविडेंस डेट पीपल ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन वे लिटरेट, किससे पता चलता कि वो लोग पढ़े थे। उसके बाद जाके आप यहाँ पर ये अंतिम होता है क्वेश्चंस, और ये वीडियो फिनिश होती है चैप्टर। थैंक यू।